पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सवाल और लेते हैं. दिस इज डी क्यूब वाई माइनस सिक्स डी स्क्वायर वाई प्लस 11 डी वाई माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 2x. ये सवाल पहले जैसे सवालों जैसा ही है. एक अंतर है इसमें, ये क्यूबिक है. चैप्टर वैसे हमारा सेकेंड ऑर्डर का है लेकिन ये थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, तो कोई बात नहीं, हम इस सवाल को दे रखा है तो इसको भी कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले r इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा हमें. r इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट, है ना. माइनस सिक्स और 11 और माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट है. इसका एक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं तो ये बन जाएगा एम क्यूब माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस 11m माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. इसके फैक्टर करेंगे तो ये m इज इक्वल टू 1, 2, 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे. तो कॉरस्पॉन्डिंग y हमारा आ गया a ई रेस्ट टू द पावर x प्लस b ई रेस्ट टू द पावर 2x और प्लस c ई रेस्ट टू द पावर 3x. ये हमारे पास आ गया. अब तक हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर y इज इक्वल टू u इंटू a और प्लस v इंटू b, दो कॉन्स्टेंट ही आ रहे थे सेकेंड ऑर्डर का है. तो इसको आप अलग से देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन कैसे लिख रहे थे. तो वी चूज ए एंड बी सच दैट हियर वी चूज ए एंड बी कोमा बी कोमा सी सच दैट, किस तरह से निकालेंगे उनको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन ऐसे बनेगी. ये तीन इक्वेशन आएगी. पहली इक्वेशन होगी यू डी ए डी एक्स प्लस वी डी बी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. दूसरी इक्वेशन बनेगी मेरी डी यू डी एक्स डी ए डी एक्स इंटू डी ए डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स इंटू डी वी डी एक्स. यहाँ पर भी एक टर्म जोड़ने से रहेगी प्लस डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू इंटू डी सी डी एक्स बराबर जीरो. और यहाँ पर क्या बन जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इंटू डी सी अपॉन डी एक्स, है ना. ये सी कैपिटल कॉन्स्टेंट है इजिकल्स टू जीरो. इसमें तीसरी इक्वेशन बनेगी डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी ए डी एक्स प्लस डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बी डी एक्स प्लस तीसरी इक्वेशन बनेगी डी टू डब्ल्यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी सी डी एक्स और इज इक्वल्स टू यहाँ पे आर आएगा, है ना. तो ये सेकंड में जो आ रहा था वो अब यहाँ थर्ड पे आ रहा है आर. और पहली इक्वेशन हम यू वी डब्ल्यू के साथ डी ए डी एक्स डी वी डी एक्स डी सी डी एक्स लिखते थे. दूसरी इक्वेशन में डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स डी डब्ल्यू एक्स के साथ फिर ये आएंगे आपके. और तीसरी इक्वेशन में डी टू यू डी एक्स स्क्वायर डी वी
डी टू वी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू डब्ल्यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से टर्म आएगी और इज इक्वल टू आर आएगा। तो इनको हम यहाँ पे मान रख के सोल्व करें तो ये तीन इक्वेशन हमारी ऐसे आती है, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ए वन, ए वन क्या है यहाँ पे डी ए डी एक्स, ई रेस टू द पावर टू एक्स इंटू बी वन और ई रेस टू द पावर थ्री एक्स इंटू सी वन बराबर जीरो। यू वी डब्ल्यू यहाँ पे ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर टू एक्स और ई रेस टू द पावर थ्री एक्स है ना। दूसरी इक्वेशन में एक एक बार यू वी डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन कर दिया और लिख दिया, दूसरी बार में हमने यू वी डब्ल्यू का दो बार डिफ्रेंशिएशन करके लिख दिया और इज इक्वल टू आर लिख दिया हमने। इन दोनों तीन इक्वेशनों को हम सोल्व कर लें, टू माइनस वन और थ्री माइनस टू, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी। इन दो इक्वेशनों को आप सोल्व करें तो बी वन और सी वन के मान आ जाएंगे। बी वन और सी वन के मान आप इक्वेशन नंबर वन में रखें तो आपका ए वन आ जाएगा। इन ए वन क्या है आपका, वॉट इज योर ए वन, ए वन इज योर डी 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 ए डी एक्स, तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो ए आ जाएंगे, ए बी और सी आ जाएंगे। इन ये कहाँ से आएंगे, ए वन बी वन सी वन को एक बार इंटीग्रेट कर लें, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो हम कहाँ दें इक्वेशन नंबर ए में, ये जो ए रेस टू द पावर इनटू ए रेस एक्स इसका करते एक सवाल ले लेता हूँ इसकी टेक्निक को समझने के लिए। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, x प्लस टू इंटू डी टू बी एक्स प्लस टू इंटू डी टू y ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस प्लस फाइव इंटू डी वाई, डी वाई को आगे ले लेंगे और प्लस टू एक ब्रेक लगाकर सही मैंने आ दिया, इज इक्वल इन साइड में सही वन प्लस टू की पावर माइनस डी और प्लस टू इंटू आई इज टू एक्स प्लस वन इन रेस टू दी एक्स। ओके, आप इसको सोल्व करें पर